स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल AITC गुरुजी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 80 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, उन 80 जीके के क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSC वन विभाग या फिर UPSC की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चनों को जीके के कवर करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हम जो है इन 80 क्वेश्चनों को सिर्फ आंसर के रूप में ही रिपीट करेंगे, ताकि आपका समय कम बच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन्हें प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि लियोनेस मेसी और लुइस हैमिल्टन दोनों को ही ये प्रदान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेष समूह का गठन किया है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों, संजीव पुरी। तो कौन बने हैं? संजीव पुरी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गिटार वादक का निधन हुआ है? तो कौन से हैं जिनका हाल ही में गिटार वादक निधन हो गया? तो सही आंसर आ जाएगा, सोनम शेरपा। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि 11 से 13 फरवरी को दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर में। दोस्तों, इसकी PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी के साथ बाद को आप सॉल्व कर सके, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसमें आंसरों को ही ज़्यादा कवर करेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो मिल सके। तो पाँचवा क्वेश्चन है कि 20 फरवरी सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है 2020 में है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये आ जाएगा स्टॉकहोम में। छठा है, फरवरी 2020 में किसे भारतीय को डेन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किया गया है? तो डेन जो डेविज है वो प्रदान किसे किया गया? तो ये गीता सेन सही आंसर आ जाएगा। सातवा है, हाल ही में संपन्न भारतीय नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो किसने जीती है दोस्तों, आदित्य मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कि 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया, ये हैदराबाद सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 13 से 14 फरवरी 2020 के मध्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं, ये ब्रिटेन के, सही आंसर आ जाएगा। 11 है, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के जो प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, वो राजीव बंसल, सही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस ये दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा और आंतरिक समूह का गठन किया है? तो सही क्या आ जाएगा इसका आंसर, NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14 है, हाल ही में घोषित ECPN क्री इम्पको अवार्ड 2019 के अंतर्गत कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यन मोर्गन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान है, उन्हें चुना गया है। 15वां क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति डांग थी नोंग थिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, वियतनाम के, तो वियतनाम के राष्ट्रपति आए हैं। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन लागू किया गया है? तो पठन मिशन ये हरियाणा ने लागू किया है। 17वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 28वें जिले का गठन हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई थी 3 राज्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रचारक द्वारा केरल में भगवद गीता को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई गई है? तो 18 का आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों, पी, जो कि परमेश्वरन। 19वां क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी जो डेल्टा है वो कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु में स्थित है। 20, भारत न्यूजीलैंड के मध्य 3 मैचों की वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था, ये रॉस टेलर को
चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में 64वीं बॉक्साई इस्तवान मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ संपन्न हुई है, ये हंगरी में संपन्न हुई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो 22वां है, 11-11 वायरस जो कि अमीबा संक्रमित है किस देश में फैला है? तो किस देश में फैला है, ये आ जाएगा ब्राज़ील में। 23 फरवरी 2020 में किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2017-20 ट्रॉफी जीती है? तो 23 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन हैं? तो द पुस्तक इसके कौन है, धर्मेंद्र राय, जो कि पहला ऑप्शन सही है। 25 फरवरी 2020 को PBL यानी प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये PBL का खिताब, ये जीता है बेंगलुरु ने, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, फरवरी 2020 को संपन्न अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ये यशस्वी जसवाल को चुना गया है। 27 एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हॉकी स्टार अवार्ड 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 28 का सही आंसर आ जाएगा, मनप्रीत सिंह को चुना गया है। 23 फरवरी के मध्य नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन हमारा 30 है, IPL टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नया नाम क्या रखा गया है? तो IPL जो की जो टीमें हैं उसमें बेंगलुरु का नया नाम क्या रखा गया, रॉयल फाइटर्स, इसका सही आंसर आ जाएगा। 31 है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेटर निदेशक बनाया गया है? तो क्या आ जाएगा, रोबिन सिंह, इसका सही आंसर आ जाएगा। 32 फरवरी 2020 को किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम में न्यूनतम स्कोर बनाया है? तो 32 का जो सही आंसर है वो आ जाएगा अमेरिका ने, तो अमेरिका ने ये नेपाल के विरुद्ध बनाया है। 33 फरवरी 2020 संपन्न अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के चुनावों का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो 33 का सही आंसर आ जाएगा अजय पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में CISF क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। 35 10वीं और 12वीं के लिए इंटर्नशिप योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, फरवरी 2020 के मध्य किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो सही आंसर आ जाएगा त्रिपुरा में। 37 उड़ान के तहत शुरू की गई पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में, उत्तराखंड में शुरू की गई है दोस्तों। 38 5वीं भारत रूस रक्षा उद्योग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 38 का आंसर आ जाएगा लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। 39 द एक्ट 1981 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 39 का सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका KK खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 54वें अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड हॉकी कप का जो 2020 का खिताब है वो किसने जीता है? तो ये भारतीय नौसेना ने जीता है। 41 है कि दुनिया के सबसे पुराने बांस के जीवाश्म का शंकुधारी में किस देश में परिवर्तन हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है, अर्जेंटीना में ये परिवर्तन हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। 42 है भारतीय सेना के किस मेजर ने एक बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक हेलमेट का निर्माण किया है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों अनुप मिश्रा ने ये काम किया है। 43 है वर्ष 2020 में यूपी का बजट कितना था? तो 2020 में यूपी का बजट आपका 52.72, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद 44 है वर्ष 2020 का यूपी के बजट के बारे में कौन सा सही है? तो ये दोस्तों सारे ही सही है, यूपी के बजट के बारे में ध्यान रखना है। अगला है 45 किस देश ने मिसाइल राइट रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है? तो मिसाइल रॉड 2 का जो सफल परीक्षण किया है वो पाकिस्तान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि साथी पहल किससे संबंधित है? तो साथी पहल ये किससे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 47 है किस देश की पहली अंतर शहरी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू हुई है? तो देश की जो इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा है वो कहाँ प्रारंभ हुई है, ये मुंबई और पुणे के बीच शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश बन चुका है। 49 किस देश के राष्ट्रपति मॉरिसन रेबेलो डी सूसा भारत की यात्रा पर आए हैं? तो कौन किस देश के, ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। और 50वां क्वेश्चन है हमारा कि क्वीन ऑफ सस्पेंस के लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ सस्पेंस इसके लेखक कौन है, मैरी हिंगिस, ऑप्शन नंबर हमारा
चार सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विद्या बाल जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वह किस भाषा की लेखिका थी। तो विद्या बाल किस भाषा की थी, ये मराठी की थी। 52 एनटीएम यात्रा पुस्तक असमिया लेखक कौन है। तो 52 का सही आंसर आ जाएगा शशि शर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 53 है किसने 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने के लिए ट्रिलियन ट्रीज योजना शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है, सही आंसर आ जाएगा विश्व आर्थिक मंच ने। 54 है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत का में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा, गुजरात। 55 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं। तो ये विक्रम अम्बालाल साराभाई कहे जाते हैं। 56 है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस योगदान अधिकतम देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा देती है। क्वेश्चन 57 मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो तत्व है कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। 58 है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लाई गई थी। तो ये कौन सा था, आपका मेर्लो मांटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत यहाँ लाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 59वां की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 60 है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है। तो कौन सा शिलालेख है, तो ये आ जाएगा बस दसपुर शिलालेख, ऑप्शन नंबर 1। 61 है किसके द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो ये 44वां संशोधन आ जाएगा। 62 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ये 149वां है। क्वेश्चन नंबर 63 है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली कौन सी समिति है। तो ये एलएम सिंधवी समिति है, जबकि अशोक मेहता समिति भी दोस्तों ध्यान रखना है, ये भी पंचायत से हैं। सतपुड़ा मेकाले महादेव पर्वतमाला किस राज्य में है। तो सतपुड़ा मेकाले महादेव पर्वतमाला किस राज्य में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के नाम से जानी जाती है। तो ये आ जाएगा चंबल घाटी को। क्वेश्चन 66 है कौन सा एक उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, ये आ जाएगा सत्यभामा सेट, ऑप्शन नंबर 4। 67 है कौन सा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कोबोल पास्कल बेसिक ये सभी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा हैं। 68 है मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो सही आ जाएगा 68वां आंसर कार्बोहाइड्रेट की। 69 है किसने तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी। तो ये जियाउद्दीन बरनी आ जाएगा सही आंसर। और 70वां क्वेश्चन है मंडू के जहाज का निर्माण किस शासक ने किया था। तो 70 का आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था मांडू के जहाज महल का निर्माण। 71 है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब कहा जाता है। तो ये पारित हुआ था 1856 में। 72 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है दोस्तों वो कब प्रारंभ हुआ था, ये 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। 73 है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, यह आ जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्योंकि ये आपका रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 74, क्रम से लगाइए। तो यहाँ राजीव गांधी ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य। तो राजीव गांधी पुरस्कार की स्थापना 1991, ध्यानचंद पुरस्कार 2002, अर्जुन 1961 और द्रोणाचार्य 1985 में हुई थी। तो 74 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 34 बार है। 75 है वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये तीसरा रहा है, इस ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 76 है वर्ष 2028 के 33वें ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ होगा इसका, ये होगा एंजलिस अमेरिका में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। 77 है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, ये मोनाको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है वर्ष 2018 में शुरू भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना बन गई है। तो कौन सी है दोस्तों, ये है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 79वां क्वेश्चन है वर्ष 2019 में किसे भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार के रूप में चयनित किया गया है। तो 79 पीरियड ऑफ सेंटोस, ऑप्शन नंबर 1। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो क्रिकेट संबंधित है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आज की जो हमारी 80 क्वेश्चनों की जो वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। दो लाइन दोस्तों आपके लिए कि जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाओं को मिटा नहीं सकते, ये लाइन मेरे द्वारा थी। तो दोस्तों इस तरह से आज की जो वीडियो
वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। PDF आप इसकी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, वहाँ से लिंक दे दूंगा मैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।